अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी जोन के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में आपके सामने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे सामने एक न्यूज है जिसमें जो है बताया गया है कि सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में इसी दिशा निर्देश को आपको बताने वाले हैं और आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ वीडियो के अंत में आपको बताएंगे क्या न्यूज पॉलिटेक्निक वाले छात्रों के लिए है या फिर नहीं है। तो आप देख सकते हैं, पहला नंबर में बताया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे यह है, जो भी विद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और सेकेंड सेमेस्टर जो इस बार होने वाली है अभी नहीं हुई है, तो उनको जो है प्रथम सेमेस्टर के अंक के अनुसार जो है प्रमोट किया जाएगा। अगला दूसरा नंबर बताया गया है कि तृतीय या विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ या सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां तृतीय या विषम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके चतुर्थ या सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। दोस्तों, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी स्टूडेंट के तृतीय सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी इस बार जो है फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो होने वाले थे अभी तक नहीं हुए हैं, तो उनके जो फोर्थ सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वह तृतीय सेमेस्टर के अनुसार बनाया जाएगा, यानी कि उन्हें फोर्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। यानी कि जो भी हमारे अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी फाइनल ईयर के जो फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, उनकी जो परीक्षाएँ कराई जाएंगी उनको जो प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनके टाइम टेबल क्या है नीचे बताया गया है कि समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए तथा बहुविकल्पीय प्रश्नों का आईएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाई जाए। दोस्तों, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जो भी हमारे पहले एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते थे आपके, उसके केवल एक ही पेपर को कराने के लिए बोला गया है और आपके जो प्रश्न है उसे थ्योरेटिकल नहीं रखा जाएगा, उसे जो है आपको ऑप्शनल रखा जाएगा, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ओएमआर सीट पर आपको जो है उसका टिक करना है। दोस्तों, आगे बोला गया है कि प्रायोगिक परीक्षाओं में अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाए तथा मौखिक परीक्षा को आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन संपन्न कराई जा सकती है। यानी दोस्तों, कहने करते हैं यहाँ पे है कि जो भी हमारे एग्जामिनेशन के बाद प्रायोगिक एग्जामिनेशन होते हैं वह जो है लिखित परीक्षा, यानी उनके जो है लिखित परीक्षा कराए जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, और जो आपके वाइवा कार्य हैं उसे ऑनलाइन कराया जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया जो सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत जो भी संचालित पाठ्यक्रम थे उनके संदर्भ में जो भी दिशा निर्देश आया था, सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब चलिए बात करते हैं यहाँ के दूसरे नंबर पर, जो यहाँ बताया गया है कि वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा निर्देश। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं जो वार्षिक परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है, यानी जिन पाठ्यक्रमों में केवल वार्षिक परीक्षा एक बार का एग्जामिनेशन होता है उनके बारे में भी यहाँ पर न्यूज आई है। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले नंबर बताया गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा इनकी आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। दोस्तों, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जो भी स्टूडेंट हमारे स्नातक यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं और उनको जो है फर्स्ट ईयर एग्जाम्स नहीं देना है, उनको जो है सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों उनको जो है उनके जो रिजल्ट हैं वह सेकेंड ईयर में जो आपके एग्जाम जब होंगे तभी आपके फर्स्ट ईयर के भी रिजल्ट आएंगे, यानी कि आपको जो है केवल प्रमोट किया जाएगा, फर्स्ट ईयर रिजल्ट नहीं निकाले जाएंगे। दोस्तों, अगला दूसरा नंबर बताया गया है कि द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। दोस्तों, यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी स्टूडेंट हमारे 2020 में प्रथम वर्ष के जो एग्जामिनेशन थे उन्होंने दिए थे, और तो उनको जो है प्रथम वर्ष के एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट थे उसी के आधार पर जो है उनको सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है बनाया जाएगा और थर्ड ईयर में जो है उनको प्रमोट किया जाएगा।
दोस्तों आगे बोला गया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि जो भी 2020 में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे उनके जो एग्जामिनेशन थे वो नहीं हुए थे तो उनको जो है सेकेंड ईयर के जो एग्जामिनेशन है उनकी एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनको फाइनल ईयर में जो है उनको प्रवेश दिया जाएगा, यानी उनको जो है इस बार उनका जो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन है उसे कराया जाएगा। तृतीय या अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। दोस्तों कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम नीचे बताया गया है कि समस्त परीक्षाएं 13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा ली जाएं। परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके केवल एक विषय का पेपर ही बनाया जाएगा। एंड दोस्तों कहने का अर्थ यहाँ यह है कि जो आपके जो एग्जामिनेशन है वह 13 अगस्त 2021 तक जो है संपन्न कराए जाने के लिए यहाँ पे बोला गया है, यानी आपका जो एग्जाम पेपर है उसे जो है केवल एक सब्जेक्ट का एक ही एग्जाम पेपर बनाया जाएगा और उसमें जो आपके प्रश्न होंगे वह आपके बहुविकल्पी होंगे, यानी उसका आंसर आपको जो OMR शीट पर आपको देना होगा, आपको जो लिखने जरूरत नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में जो है यहाँ पे जो भी न्यूज थी उसके बारे में आपको दिया। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि यह न्यूज जो है पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह न्यूज जो है बहुत ही वायरल हो रही है। अब बहुत से स्टूडेंट जो है पर्सनली व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और वे हमसे पूछ रहे हैं। दोस्तों यह न्यूज जो है यहाँ पे सेमेस्टर पद्धति यहाँ पे ऊपर बोला तो गया है और यहाँ पे जो नीचे वार्षिक पद्धति बोला गया है। दोस्तों सेमेस्टर पद्धति जो है पॉलिटेक्निक में होती है और वार्षिक पद्धति जो है आपके BTUP के अंतर्गत जो डिफार्मा का कोर्स है उसके अंतर्गत होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान यह देना है कि यहाँ पे जो भी बातें बताई गई हैं वह स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की बताई गई है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऐसे भी कोर्स हैं जिनमें जो है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन कराए जाते हैं और ऐसे भी कोर्स हैं जिनमें आपके एनुअल एग्जामिनेशन भी कराए जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो वार्षिक परीक्षा के यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनका जो है एनुअल एग्जामिनेशन होता है उनके लिए यह गाइडलाइंस आई है, और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उनके जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो आपको जो है घबराने जरूरत नहीं है, यह न्यूज़ जो है आपके लिए नहीं है। यह न्यूज़ जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों जिनका एग्जाम जो है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कराया जाता है। दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास जो बुक्स की PDF नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जहाँ पे आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बुक्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दे दिया है, जिस पे आप क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपके कोई भी क्वेरी है, आपके कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।